नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरू करें। प्रश्न संख्या एक, तीव्र एवं मंद परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जो तीव्र गति से होते हैं उन्हें हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं, और वह परिवर्तन जो मंद गति से होते हैं उन्हें हम मंद परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या दो, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। किसी पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण होते हैं। प्रश्न संख्या तीन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रश्न संख्या चार, रासायनिक परिवर्तन के तीन लक्षण बताएं। रासायनिक परिवर्तन के तीन लक्षण निम्नलिखित हैं, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नए गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना और किसी गैस का बनना। प्रश्न संख्या पांच, लाभदायक रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दें। प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पचना, दवाओं, प्लास्टिक, साबुन, डिटर्जेंट आदि का निर्माण लाभदायक रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या छह, जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? जंग लगना एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करती है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देती है। यह प्रक्रिया लोहे की वस्तुओं के लिए हानिकारक होती है। प्रश्न संख्या सात, जंग लगने की प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। जंग लगने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल हमें जंग यानी कि आयरन ऑक्साइड देता है। प्रश्न संख्या आठ, दो चीजें जो जंग लगने की प्रक्रिया में अनिवार्य होती हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। प्रश्न संख्या नौ, जंग लगने की रोकथाम के उपाय क्या हैं? लोहे की वस्तु पर पेंट अथवा जिंक लगाकर या लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिंक धातु की एक परत चढ़ाना या फिर गैल्वेनीकृत करना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को हम यश्त लेपन या फिर गैल्विनाइजेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रिस्टल या तो किसी ऐसी चीज से बनते हैं जिसे पिघलाया जाता है या किसी घोल से। प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर के लिए जंग कैसे हानिकारक है? जंग लगे लोहे में एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया पनपता और बढ़ता है। इससे शरीर में खरोंच लग जाने पर यह मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है और टिटनेस रोग उत्पन्न करता है। इस रोग से बचने के लिए हमें टिटनेस की सुई लगवानी पड़ती है। प्रश्न संख्या 12, जब हवा में जल वाष्प अधिक होता है तो जंग लगने की प्रक्रिया की गति में क्या परिवर्तन होता है? जब हवा में जल वाष्प अधिक होता है तो लोहे की वस्तु में जंग जल्दी लगती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।